वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। तो हम पढ़ रहे थे एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन सेक्शन 54G, ये हमारा लास्ट डिस्कशन था, उससे अब हम आगे ले चलते हैं, राइट। तो चलिए, अपन जब पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफ़र में कैपिटल गेन वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उससे रिलेटेड दो छोटा छोटा सेक्शन है, दैट इज योर सेक्शन 1037, सेक्शन 37A, उससे अपन पहले कंप्लीट करेंगे, फॉलोड बाय दैट सेक्शन 54 का जो भी आपका एग्जेम्पशन का बाकी सेक्शन है, सेक्शन 54B, GB एंड एटसेट्रा, उससे अपन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए, सेक्शन 37 आपको ये बता रहा है, मान लीजिए आपका कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि आप यूज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल बिफोर द 2 ईयर, देन उससे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो या कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट हो रहा है जहां पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 37। मैंने आपको क्या बताया, जो कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड होगा, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड होगा अर्बन एरिया में, जो कि लास्ट 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो रहा था, उससे मान लीजिए कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्पशन हो जाएगा, राइट। ये वाला सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 ये आपका एप्लीकेबल है टू ऑल एसएससी व्हिच आर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, दैट मींस इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केस में ये 1037 वाला सेक्शन एप्लीकेबल है। उसके बाद और आपका एक सेक्शन आ रहा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 37A, राइट, जहाँ पे ये हालांकि अभी सेक्शन आया था जब आपका आंध्र प्रदेश दो स्टेट में डिवाइड हो गया, राइट, उसी लिए ये एक सेक्शन को इंसर्ट की गई थी, जहाँ पे ये आपको बता रहा है, मान लीजिए आपका कुछ लैंड आंध्र प्रदेश दैट इज हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का कैपिटल था हैदराबाद, अभी आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल हो गया अमरावती, क्योंकि जो आपका दो स्टेट में डिवाइड हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश दूसरा आपका तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना को बिलोंग्स करता है, इसीलिए जो आपका अमरावती था वो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया, राइट। तो वहाँ पे ये सेक्शन लाया गया जहाँ पे ये बता रहा है अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ का ऑन डेट ऑफ 2nd of June 2014 को, जबकि दो स्टेट का स्टेटस मिला था, आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो अंडर लैंड पुलिंग स्कीम, ध्यान दीजिए आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है आज ऑन 2nd of June 2014 एंड आप गवर्नमेंट को उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो अंडर लैंड पुलिंग स्कीम, जहां पे आपको ये पता जा रहा है कुछ डेवलपमेंट करके आपको ये दी जाएगी लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर, राइट। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या होगा, जो भी लैंड पुलिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट आपको इशू करेगा, और एक बार मैं बता रहा हूँ, आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, आपने गवर्नमेंट को दे दिया अंडर लैंड पुलिंग स्कीम, गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया, लैंड पुलिंग ओनर सर्टिफिकेट दे दिया। सर ये लैंड पुलिंग स्कीम क्या होता है, जहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट उस लैंड को लेकर कुछ डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद फिर आपको लैंड दे देगा, राइट, ओके। उसके बाद क्या हुआ, नाउ मान लीजिए मिस्टर एके ने लैंड पुलिंग ओनर सर्टिफिकेट जो था उसे ट्रांसफ़र कर दिया, देन ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, वहाँ पे कैपिटल गेन कुछ नहीं लगेगा, राइट। व्हाट इफ मिस्टर एके नॉट ट्रांसफर द लैंड पुलिंग ओनर सर्टिफिकेट एंड गेट द न्यू डेवलप प्लॉट, राइट। लैंड पुलिंग स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट उस लैंड को डेवलप करके आपको बेचता है, आपको देता है, राइट। मान लीजिए एके ने उस लैंड पुलिंग ओनर सर्टिफिकेट को नहीं सेल किया एंड उसने क्या कर दिया, न्यू प्लॉट को अक्वायर किया, न्यू डेवलप प्लॉट को अक्वायर किया,
देन इफ मिस्टर ए के ट्रांसफर सच न्यू डेवलप प्लॉट विद इन द टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच पोजेशन एक्वायर्ड बाय मिस्टर ए के और ग्रांट ऑफ सच लैंड देन नो कैपिटल गेन ऑन सच ट्रांसफर। ये क्या बताया, मान लीजिए मिस्टर लैंड पूलिंग ओनर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं किया, जिस दिन मान लीजिए मिस्टर ए के को 20 ऑफ मई 2019 को ये लैंड मिल गया, अंडर लैंड पूलिंग ओनर सर्टिफिकेट में लैंड मिल गया, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में बिलंग्स कर रहा है, ये 2019 एंड 20 फाइनेंशियल ईयर में बिलंग्स कर रहा है। जब भी आपका 2019-20 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा यानी 31 मार्च 2020 से दो साल के अंदर विद इन टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द पोजेशन ऑफ सच लैंड हैज बीन ऑब्टेन देन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, राइट? ओके, व्हाट इफ आफ्टर टू ईयर मिस्टर ए के ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी देन कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर मिस्टर ए के ने दो साल के बाद उस डेवलप लैंड को ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, देन उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए मान लीजिए ये मैंने और एक बार आपको ये एग्जांपल समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला सेक्शन अभी के अभी दो मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर एके के पास लैंड था आज जन 2nd of June 2014, जिस दिन टू स्टेट को स्टेटस मिला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का स्टेटस मिला, उससे आप गवर्नमेंट को दे दिया अंडर लैंड पुलिंग स्कीम एंड गवर्नमेंट ने आपको दे दिया लैंड पुलिंग ओनर सर्टिफिकेट दे दिया, राइट? ओके, गवर्नमेंट ने लैंड पुलिंग सर्टिफिकेट दिया, ग्रांट डेवलप प्लॉट मान लीजिए 19th of December 2024 को मिस्टर एके को मिल रहा है, राइट? तो क्या हुआ, पोजेशन मिल गया 19th of December 2014 को, यहाँ से जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा दैट इज़ ये फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 में आ रहा है, ये फाइनेंशियल सॉरी 24-25 में आ रहा है, ये कंप्लीट कब होगा, 31st मार्च 2025 को कंप्लीट होगा। यहाँ से दो साल के अंदर आपने ट्रांसफ़र किया तो नो कैपिटल गेन। मान लीजिए उसके बाद आप किसी डेट में ट्रांसफ़र किया तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइबल टू कैपिटल गेन। पॉइंट आता है, सर ये कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होगा, जो कि आपका सेल वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सर एसडीवी ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच पोजेशन हैज बीन ग्रांटेड। उसका मतलब ये है आपका दो ईयर जब खत्म होगा ना 31st मार्च 2027 को, जो भी आपका एसडीबी होगा वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए मिस्टर एके ने 19th of December 2028 को सेल कर दिया फॉर ₹2 करोर, देन क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 2 करोर हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एसडीबी ऑन 31st मार्च 2027, जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। मैंने आपको क्या बताया, जिस दिन आपको पोजेशन ग्रांट हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31st मार्च 2025, वहां से दो साल जब कंप्लीट होगा दैट इज 31st मार्च 2027, उसी डेट को जो आपका स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, राइट? यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए लॉ में कुछ भी क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहाँ से लेंगे, जिस दिन हमको पोजीशन ऑब्टेंड हुआ दैट इज इन आवर एग्जांपल
पोजीशन मिस्टर एक्यू को मिला था 19th of December 2024 को। वहां से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। सर क्या यहां से हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा? जरूर जरूर जरूर, जहां पे आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू होगा वहां से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू दैट इज रिक्वायर्ड टू ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एज पर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 48। सर हमको समझ में आ गया, अगर आप और एक मिनट लेकर ये सेक्शन को रिवाइज कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 1037 सेक्शन 1037 ए सेक्शन 1037 एप्लीकेबल टू एसेसी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जहां पे ये आपको बता रहा है जो कि आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप उससे कंपलसरी एक्वायर हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सेक्शन 1037 ये थोड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है, जहाँ पे ये आपको बता रहा है सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये एप्लीकेबल होगा। ऑन डेट ऑफ 2nd of June 2014, दैट इज जिस दिन टू स्टेट का स्टेटस मिला उस दिन आपके पास कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है अमरावती में, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश में, तो क्या होगा, अगर आप उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हो लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर, एंड गवर्नमेंट जिस दिन आपको क्या देगा, पोजेशन ऑफ सच डेवलप लैंड देगा, उसी डे उसी ईयर का जो भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो एंड ऑफ फाइनेंशियल डेट होगा वहां से दो ईयर के अंदर अगर आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन इम्पोज नहीं होगा। मान लीजिए आप दो साल के बाद उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, देन कैपिटल उसे ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन भी इम्पोज होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी SDV एज ऑन एक्सपायरी ऑफ सच टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन हुईच पोजिशन ऑफ सच लैंड हैज बीन ऑब्टेन, राइट ओके। उसके बाद चलिए आगे, 10-12 मिनट हो गया ये वाला दो सेक्शन, उसके बाद अपन शुरू करेंगे सेक्शन 54GB। सेक्शन 54GB मैं पहले आपको बता दूं, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पे ये आपको बता रहा है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपके पास कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था और कुछ लैंड था, उसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। वहां से जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप कुछ न्यू स्टार्टअप कंपनी में, कंपनी का इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो न्यू कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना चाहिए, सो दैट इंडिविजुअल विल बी गेट एग्जेम्प्शन। मैंने आपको क्या बताया, आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लॉट ऑफ लैंड है, आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप इन्वेस्ट कर रहे हो न्यू स्टार्टअप कंपनी में, न्यू कंपनी स्टार्टअप कंपनी का इक्विटी शेयर में, तो आपको एग्जेम्प्शन मिल जाएगा, इफ प्रोवाइडेड ये जो न्यू स्टार्टअप कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी अगर ये न्यू स्टार्टअप कंपनी परचेज कर लिया तो आपका अमाउंट एग्जेम्प्शन हो जाएगा, राइट ओके। सर थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे तो अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, अभी तक तो हमने समझ लिया, फिर भी आप एक काम करो, हमें और एक एग्जाम्पल के साथ बता दो कैसे ये होगा। ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, लगभग 10 मिनट से 12 मिनट ये सेक्शन हमको लगेगा, राइट। उसके बाद आपका क्या खत्म हो जाएगा, एग्जेम्प्शन खत्म हो जाएगा। सर चलिए शुरू करते हैं, मान लीजिए ये मिस्टर वाला एक आदमी था,
मिस्टर बाला एक आदमी था जिसके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, राइट। जिसके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था उसे वो ट्रांसफर कर दिया 16th of July 2019, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर 1920 में, फॉर रुपीज 100 लाख। ट्रांसफर करते ही मान लीजिए उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 40 लाख। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखा है, आप मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा, ये वाला जो सेक्शन 48 आपको आ रहा है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 40 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उससे आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक न्यूली स्टार्टअप कंपनी का इक्विटी शेयर को परचेस करने में, राइट। मान लीजिए मिस्टर वाला ने क्या कर दिया, एक न्यूली स्टार्टअप कंपनी था वहां पे इक्विटी शेयर, दैट इज योर TCA प्राइवेट लिमिटेड, एक न्यूली स्टार्टअप कंपनी था जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। सर पैसा इन्वेस्ट करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? यस, टाइम लिमिट ये है, उस फाइनेंशियल ईयर का जब अपन रिटर्न ऑफ फाइल करेंगे ना, रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग करेंगे ना, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर को परचेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 1920 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31st July 2020, दैट इज 31st July 2020 के अंदर में आपको इक्विटी शेयर परचेस करना पड़ेगा TCA प्राइवेट लिमिटेड का, राइट। लेट मिस्टर बाला ने 19th ऑफ जून को शेयर परचेस कर दिया TCA प्राइवेट लिमिटेड का, क्या कर दिया, शेयर परचेस कर दिया, राइट। मिस्टर वाला को एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब ये जो TCA प्राइवेट लिमिटेड है ना, अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहा है कितने विदिन कितने दिन में एक्वायर करेगा, जिस दिन में अमाउंट मिस्टर बाला ने इन्वेस्ट किया उसी दिन के 2 साल के अंदर में अगर TCA प्राइवेट लिमिटेड कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहा है तभी मिस्टर बाला को एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। कंपनी को विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ मिस्टर वाला, एक मिनट, यहां पे थोड़ा 1 ईयर है या 2 ईयर है, तो 1 ईयर होना चाहिए, सॉरी ये 1 ईयर होना चाहिए, मैं 2 ईयर कैसे लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कीजिए, ये होगा आपका 18th of June 2020, राइट। कंपनी अगर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मिस्टर वाला ये शेयर एक्वायर करता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करता है, तो मिस्टर वाला कैन गेट एग्जेम्पशन। इन द एबव केस इफ कंपनी नॉट परचेज न्यू असेट विद इन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग, दैट इज 31st July 2022, देन कंपनी शुड कीप द मनी इन CGAS एंड यूटिलाइज द अमाउंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर वाला। मैंने आपको क्या बताया, फिर से सुनिए, आपके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, उससे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करने से आपको कुछ कैपिटल गेन आ रहा है, अगर वो कैपिटल गेन को आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई न्यूली स्टार्टअप कंपनी का इक्विटी शेयर में, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड वो न्यूली स्टार्टअप कंपनी क्या करना चाहिए, विद इन द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा, तो मिस्टर वाला को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दो कंडीशन है, मैं और एक बार बता रहा हूँ, दो कंडीशन क्या है, पहले तो मिस्टर बाला को ये करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स के
पहले इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड जिस स्टार्टअप कंपनी में वो पैसा लगा रहा है तो उस स्टार्टअप कंपनी को क्या करना पड़ेगा विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर उसे क्या करना पड़ेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करना पड़ेगा। सर कंपनी मान लीजिए वन ईयर में क्या करेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करेगा। तो आपने 45 में बताया था जिस ईयर में ट्रांसफर है उस ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा। तो कैसे मान लीजिए कंपनी ने ड्यू डेट ऑफ फाइनलिंग रिटर्न हमारे एग्जाम्पल में था 31 जुलाई 2020। और एक बार मैं बता रहा हूं मिस्टर बाला का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था 31 जुलाई 2020। अगर उसी दिन के अंदर ने TCA प्राइवेट लिमिटेड ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर नहीं किया तो उसी डेट के अंदर में जो आपका कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम है ना उसमें क्या करना पड़ेगा TCA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड जिसे वो यूटिलाइज कर सकता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी को अक्वायर करने के लिए फ्रॉम विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बाय मिस्टर वाला। तो मैं और एक बार आपको यहां पे बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए मिस्टर बाला ने शेयर अक्वायर किया था 19th of June 2019 को राइट। तो TCA प्राइवेट लिमिटेड को 18th of June 2020 के अंदर में क्या करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करना पड़ेगा चलिए आगे। सर कितना अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगा बता दो ना। लेट इन द अबव केस मिस्टर वाला इन्वेस्ट 90 लाख इन द TCA प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर वाला का कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था 40 लाख था। मान लीजिए 90 लाख इन्वेस्ट कर रहा है TCA प्राइवेट लिमिटेड के एंड TCA प्राइवेट लिमिटेड परचेज है प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख का परचेज कर रहा है देन फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा राइट। मान लीजिए सर मिस्टर वाला का कैपिटल गेन था कितना 90 लाख वो TCA में इन्वेस्ट किया 90 लाख TCA ने एसेट परचेज किया 90 लाख तो फुल अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन मिल जाएगा राइट। मान लीजिए मिस्टर वाला ने TCA में 70 लाख इन्वेस्ट किया TCA प्राइवेट लिमिटेड ने 70 लाख का एसेट परचेस कर दिया प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर दिया तो सर यहां पे कितना अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगा याद कीजिए। मैंने आपको ब्रेक से पहले एक सेक्शन करवाया था जहां पे मैंने आपको बताया था ये वाला नेट कंसीडरेशन अमाउंट ऊपर बेस है तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था आपका 40 लाख उससे नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट किया 70 लाख आउट ऑफ 90 लाख देन उसे 31.11 मिल जाएगा एग्जेम्पशन। मान लीजिए वाला ने 90 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया TCA प्राइवेट लिमिटेड में मगर TCA प्राइवेट लिमिटेड ने ओनली 70 लाख इन्वेस्ट किया वहां पे भी क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सर प्रोपोर्शनेट कैसे होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द न्यू स्टार्टअप कंपनी फोल डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर वाला राइट। मान लीजिए मिस्टर वाला ने TCA में 70 लाख इन्वेस्ट किया TCA ने क्या कर दिया 90 लाख का एसेट परचेस कर दिया वहां पे हम क्या देखेंगे मिस्टर वाला का कितना पैसा न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा। TCA तो 90 लाख का एसेट परचेस कर रहा है लेकिन मिस्टर वाला का सिर्फ 70 लाख का अमाउंट है तो 70 लाख का अमाउंट प्रोपोर्शनेट होके मिस्टर वाला का क्या हो जाएगा एग्जेम्पशन हो जाएगा। मिस्टर वाला का कितना पैसा एसेट को परचेस करने में लगता है उतना अमाउंट भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया ओके।
अच्छा सर, हमें और एक बार बता दो, वहां पे हमें कुछ डाउट आ रहा है। मिस्टर वाला ने 16th ऑफ जुलाई 19 को क्या किया था? शेयर ट्रांसफर किया था। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या था? आपने बताया 31st जुलाई 2020 था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मिस्टर वाला को क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के अंदर उसी को इक्विड शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मिस्टर वाला ने क्या किया, 19th ऑफ जून 20 को इन्वेस्ट कर दिया, 19th ऑफ जून 20 को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, राइट तो सर विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न में ये तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो सर क्या होगा? तो सर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, देखिए वो तो ड्यू डेट के अंदर में फाइलिंग रिटर्न कर दिया। अब TCA को क्या करना है, TCA को वहां से एक साल, दैट इज 18th ऑफ जून 2021 के अंदर से क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा। सर आपने बताया था तो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, तो TCA प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कर रहा है, अगले ईयर में एसेट करने के लिए लॉ में बोल रखा है, तो क्या होगा, तो TCA लिमिटेड को अगर 31st जुलाई 2020 में एसेट एक्वायर या परचेस नहीं कर रहा है तो उसी डेट के अंदर में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में TCA को अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो अमाउंट 18th ऑफ जून 2021 के अंदर में न्यू एसेट प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करने में इन्वेस्ट हो सकता है, सो दैट मिस्टर वाला विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन, राइट। होप यू ऑल आर गेटिंग इट। ओके, मैं और एक बार उसे लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, राइट। चलिए आगे, चलिए आगे। सर मान लीजिए मिस्टर वाला ने क्या कर दिया, 50% शेयर ट्रांसफर कर दिया, लॉक इन पीरियड ने आपने 5 ईयर तक लॉक इन पीरियड होगा, 5 ईयर के अंदर में मिस्टर वाला ने इक्विड शेयर को नहीं ट्रांसफर कर सकेगा। मान लीजिए मिस्टर वाला ने 5 साल के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, सर तो क्या होगा, अगर मिस्टर वाला ने 5 ईयर में ट्रांसफर कर देता है तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा एंड उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा इन द ईयर इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन मेड एंड इट विल बी टैक्सेबल हैंड वाला गेट सॉरी ट्रांसफर 50% शेयर, जितना ही वो ट्रांसफर करेगा उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट का एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, राइट। ऑन then 50% capital gain exempted earlier will be withdrawn and become taxable as long term capital gain, right? On transfer, normal capital gain will be calculated as usual, in addition to that exemption amount will be withdrawn ho jayega, and should not transfer plant and machinery within a period of 5 year। बिल्कुल थोड़ा सा क्रिटिकल सेक्शन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वाला तो इक्विड शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकेगा 5 साल तक, एंड TCA प्राइवेट लिमिटेड भी वो प्लांट एंड मशीनरी को नहीं ट्रांसफर कर सकेगा 5 ईयर तक। अगर ये दो कंडीशन में डाइवर्ट हो गया तो फिर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, राइट। If it is transfer, then capital gain on such plant and machinery will be taxable in hand of TCA Private Limited. तो TCA Private Limited के हाथ में तो taxable हो जाएगा, लेकिन जो भी मिस्टर वाला को exemption मिला था वो withdraw हो जाएगा and taxable in hand of मिस्टर वाला in the year
in which such asset has been transferred by TCA Limited as long term capital gain. मैंने आपको क्या बताया, दो condition पहले से था, इंडिविजुअल को जो भी कैपिटल गेन आ रहा है वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई भी न्यूली स्टार्टअप कंपनी का, एंड न्यूली स्टार्टअप कंपनी को क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, देन उस इंडिविजुअल एसएससी को क्या मिल जाएगा, मिस्टर वाला को क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड कितना है सर, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक नाइदर मिस्टर वाला वो शेयर को ट्रांसफर कर सकेगा नॉर टीसीए प्राइवेट लिमिटेड ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकेगा, प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर कर सकेगा। मान लीजिए मिस्टर वाला ने 5 साल के अंदर ने शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो शेयर के ऊपर क्या होगा, कैपिटल गेन आज यूजुअल कैलकुलेशन होगा, लेकिन फिर जो भी एग्जेम्पशन मिला था मिस्टर वाला को वो विड्रॉ हो जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड ऑफ मिस्टर वाला। मान लीजिए 5 साल के अंदर अंदर टीसीए प्राइवेट लिमिटेड ने उस शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ टीसीए प्राइवेट लिमिटेड, मगर 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 क्या होगा, जो कि एग्जेम्पशन आपको मिला था किसे किसको किसको मिला था मिस्टर वाला को वो फिर विड्रॉ हो जाएगा वाला के में लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। यहां पे ना अगर ये कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है देन 5 साल विल बी रिड्यूस 3 ईयर, दैट मींस कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, न्यू स्टार्टअप कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या हो जाएगा, उसी केस में आपका ये जो क्या है लॉक इन पीरियड है फॉर द कंपनी के लिए 3 साल हो जाएगा। सर इलीज का मींस क्या क्या है, लॉ में लिखा है इलिजिबल कंपनी, इलिजिबल स्टार्टअप कंपनी का मतलब ये है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में होना चाहिए ड्यूरिंग फ्रॉम द ड्यूरिंग पीरियड फर्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, जो भी आपका मान लीजिए करंट असेसमेंट ईयर इज 2021, राइट उसका रिलेवेंट प्रीवियस क्या ईयर क्या है 1920 है, तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 से ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, इन व्हिच कैपिटल गेन अराइजेस टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। यहां पे फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1999 से ड्यू डेट जो भी फाइनेंशियल रिटर्न होगा सर 1920 मान लीजिए 1920 एक फाइनेंशियल ईयर है तो ड्यू डेट ऑफ फाइल रिटर्न हो जाएगा 31 जुलाई 2020, ये बोल रहा है 19 जब भी प्रीवियस ईयर शुरू हुआ दैट इज फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2029 से लेकर 31 जुलाई 2020 के अंदर में ये कंपनी स्टार्टअप होना चाहिए इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में चाहिए। एंगेज्ड इन इलिजिबल बिजनेस कंपनी इन व्हिच एसएससी हैज मोर देन 25% शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट आफ्टर द सब्सक्रिप्शन इन शेयर, राइट। उस स्टार्टअप कंपनी में एसएससी का क्या होना चाहिए 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए, कंपनी क्वालिफाई टू बी इलिजिबल स्टार्टअप, देन हम कंपनी को बोलेंगे इलिजिबल कंपनी बोलेंगे। पहला कंडीशन ये है जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका कैपिटल से ट्रांसफर हुआ आपको कैपिटल गेन आया उसी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेकर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के अंदर वो कंपनी स्टार्टअप होना चाहिए, उस कंपनी में मोर देन 25% ऑफ शेयर वो क्या किसका होना चाहिए एसएससी का होना चाहिए, तो उससे हम क्या बोलेंगे इलिजिबल कंपनी। इलिजिबल बिजनेस एंगेज इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ये आपको याद रखने की कोई जरूरत है, आसन याद कर दिया तो आप
कॉम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीट होता है आपका क्या एग्जेम्पशन का, ये कॉम्प्लीट होता है। राइट राइट राइट। चलिए अपन अभी शुरू करेंगे रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ओके, मैं काम करता हूँ उससे इस क्लास को यहाँ पे एंड कर देता हूँ और दूसरा वाला क्लास आपके लिए लाता हूँ, फ्रेश क्लास, दैट इज रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ओके ओके, तो अच्छा, तो 64 में हम क्या पढ़ा, 54 GB में, 54 GB ये कहता है, ये तो पहला बार के ऊपर एप्लीकेबल। मान लीजिए कोई रेसिडेंटी है जिससे आप ट्रांसफर करते हुए आपको लॉन्ग टर्म क्या आ रहा है, मान लीजिए उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप कोई न्यूली स्टार्टअप कंपनी का इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वहाँ पे और एक कंडीशन है, उस न्यूली स्टार्टअप कंपनी को न्यू प्लांट एंड मशीनरी करना पड़ेगा, तो दैट एग्जेम्पशन मिलेगा। हमने जो मिस्टर वाला था वो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के अंदर अंदर इक्विटी शेयर को अक्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जब सॉफ्टवेयर के द्वारा वहां से लेकर एक साल के अंदर TCA प्राइवेट लिमिटेड बा न्यूली स्टार्टअप कंपनी को न्यू प्लांट करना पड़ेगा। वहां वो के लिए लागू हो जाता था, पहले इंडिविजुअल के लिए लॉक इन पीरियड था 5 साल, वो 5 साल के अंदर उस शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एंड कंपनी के इसमें लॉक इन पीरियड था 5 साल, जो कि 5 साल के अंदर उसी एसेट को नहीं बेच सकते थे। अगर इंडिविजुअल ने उस शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन एज यूजुअल कैलकुलेट होगा, एंड जो भी आपको पहले से एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। एंड एग्जेम्पशन अमाउंट सर कितना होगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगा। सर प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होने का मतलब क्या है, जितना अमाउंट मिस्टर वाला न्यू स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ से कितना अमाउंट यूज हो रहा है न्यू एसेट को परचेज करने के लिए, वो अमाउंट कंसीडर होगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, नेट कंसीडरेशन को चेक करेंगे। राइट राइट, कंपनी ने एसेट को ट्रांसफर कर देता है तो कंपनी के हाथ में प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, एंड वाला के वाला जो था क्या विड्रॉ हो एलिजिबल फॉर्म लगे था कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो फॉर कंपनी था 3 साल। एलिजिबल कंपनी का मतलब ये था जिस ईयर में ये ट्रांसफर होके कैपिटल गेन आ रहा है उस ईयर से लेकर ड्यू डेट ऑफ फाइनेंस फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न से क्या होना चाहिए, वो कंपनी का शुरुआत होना चाहिए, एंड उसी कंपनी में इंडिविजुअल का 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होना चाहिए, तो उसे हम देंगे। ओके, एंड एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी का मतलब ये था वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2020 के अंदर में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होना टॉर्बर नहीं करना चाहिए 25 करोड़ को इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच डिड अंडर सेक्शन 80 IAS 6 राइट इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ उसका पास होना। दूसरे पार्ट में लेके आ रहा हूं आपका रेट ऑफ टैक्स। ओके ओके,